से आजमगढ़ से ये बड़ी खबर आ रही है। जन्मदिन की आड़ में धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया। मामले में 6 महिलाओं को जेल भेजा गया। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार किया, महिलाओं को जेल भेज दिया गया है। लोगों को बहला फुसला कर कराया जा रहा था धर्म परिवर्तन। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, पुलिस ने सभी गिरफ्तार महिलाओं को जेल भेज दिया है। तो लोगों को बहला फुसला कर धर्म परिवर्तन का ये मामला सामने आया। तो आपको बता दें, जन्मदिन की आड़ में धर्म परिवर्तन। तो आजमगढ़ से एक खबर, जहां जन्मदिन की आड़ में धर्म परिवर्तन का ये पूरा मामला चल रहा था। मामले में 6 महिलाओं को जेल भेजा गया। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। वहीं बता दें, पुलिस ने सभी गिरफ्तार महिलाओं को फिलहाल जेल भेज दिया है। तो लोगों को बहला फुसला कर इनका धर्म परिवर्तित कराती थी ये महिलाएं। तो जन्मदिन का ये समारोह था जिसमें धर्म परिवर्तन का ये पूरा मामला चल रहा था। तो जन्मदिन की आड़ में इन सभी लोगों ने धर्म परिवर्तन की ये कोशिश की, जिसके बाद 6 महिलाओं को पुलिस ने जेल भेज दिया है। तो सभी को गिरफ्तार किया, जिसके बाद अब इन महिलाओं को जेल भेजा गया है। तो आजमगढ़ से ये तस्वीरें और ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक बार फिर से ये धर्म परिवर्तन का गिरोह सामने आया। कल दिनांक 30/7/22 को थाना महाराजगंज पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई कि कस्बा महाराजगंज में कुछ व्यक्तियों द्वारा बर्थडे पार्टी की आड़ में धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। उक्त सूचना पर पुलिस द्वारा मौके पर पहुंच के छानबीन की गई तथा मौके से 6 महिलाओं को हिरासत में लिया गया, जिनके कब्जे से बाइबल, प्रार्थना सभा की पुस्तकें तथा अन्य साहित्य बरामद हुए। उक्त सूचना पर पुलिस द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 286/22, धारा 504, 506 व 3/5 उत्तर प्रदेश धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय रवाना किया गया है।